गवर्नर पंजाब की एडवाइस नज़रअंदाज, पंजाब असेंबली का इजलास हुआ, ना ही वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया। इत्तेहादियों का अगला लाहे अमल क्या होगा? गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असेंबली का खत मुस्तरद कर दिया। क्या परवेज लाही को डी नोटिफाई किया जाएगा? लीगी रहनुमा रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा, वरना वो वजीर आला नहीं रहेंगे। वजीर दाखला राना सनाउल्ला की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा वजारत आला के लिए हमजा शहबाज हमारे मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं करेंगे, ये सिर्फ अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, पंजाब के मामले पर इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसले करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और गवर्नर पंजाब से राबता, मौजूदा सूरतेहाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी कहते हैं हमजा शहबाज उनके लिए बिलावल से कम नहीं, पंजाब में वजारत आला नून लीग का हक है। पहले मुतनाज़ा मास्टर प्लान की मंजूरी, फिर एतमाद का वोट, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनों को नवाज दिया। मुतनाज़ा लाहौर मास्टर प्लान मंजूर कर लिया, अहम तरीन कारोबारी शख्सियात को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने इमरान खान के दबाव पर मास्टर प्लान की मंजूरी दी। और बुशरा बीबी ने अरबों रुपए के तोहफे बेचे, दोस्त मुल्क से मिलने वाली खाना काबा मॉडल की घड़ी इमरान खान की जाती जागीर नहीं थी, पैसा गरीबों को देते तो शाबाश देता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैरपुर में सैलाब मुतासरीन से खिताब, मुतासरीन के लिए घर और अस्पताल बनाने का ऐलान।